Hey guys, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो है वो गाइज है सोया चंक के ऊपर, मतलब न्यूट्री वड़ी भी बोल देते हैं उसको। तो गाइज उसके ऊपर हमारी वीडियो, हम तीन टाइप में सोया चंक को बनाएंगे। आपको जो पसंद हो आप वो अपने वर्कआउट के बाद ऐड कर सकते हैं, आपके लंच में ऐड कर सकते हैं, आपके डिनर में ऐड कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम है जिस टाइम में भी चाहे आप इनको ऐड कर सकते हो। तो तीन टाइप में हम सोया चंक को बनाने वाले हैं। आपको जो पसंद आता है आप वो उसको फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सोया चंक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है इसके अंदर, आपको पता ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सोया चंक के बारे में फुल डिटेल्स में। और इस रेसिपी में हम तीन टाइप की जो रेसिपी बनाने वाले हैं, और इसमें हम 50 ग्राम तक सोया चंक यूज़ करेंगे। 50 ग्राम से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना पूरे दिन में, क्योंकि 50 ग्राम तक ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। और आप जूस से ज़्यादा सोया चंक यूज़ करोगे अपनी डाइट में तो उससे आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन से रहता है। लेकिन 50 ग्राम तक आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम तक आपके लिए सेफ है। आप आंखें बंद करके डेली यूज़ कर सकते हैं 50 ग्राम सोया चंक अपनी डाइट में। और मैं भी यूज़ करता हूँ गाइस 50 ग्राम तक सोया चंक, और मुझे 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन उसी से मिलता है सोया चंक से। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम न्यूट्रेला का सोया चंक यूज़ करेंगे जो 50 ग्राम तक है। 50 ग्राम तक मैं इसकी सर्विंग लूँगा। थोड़े से राइस लूँगा, एक कटोरी, एक टमाटर, एक अनियन। तो ये तीन से चार चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो 50 ग्राम से ज़्यादा ना लें आप सोया चंक। तो इनको हमने इस तरह से चॉप कर लेना है, आप जैसा चॉप आता है आपको वैसा कर सकते हैं। सो गाइज इसके लिए आपको एक प्रेशर कुकर लगेगा, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, अनियन ऐड करेंगे पहले, इसको बस हल्का सा ब्राउन करना है हमने, टमाटर, सोया ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, और लास्ट में हम ऐड करेंगे राइस। एक से दो कटोरी हम वाटर ऐड करेंगे। तो हम कुकर को कर देते हैं बंद। यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला का सोया चंक यूज़ किया था, इसको यूज़ करने का यही मतलब था कि गाइस इसका न्यूट्रिशन आपको जो है वो इसके जो पैकेट है उसके ऊपर मिल जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देख रहे हैं ये इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, ऑलरेडी इसके अंदर जो लिखा है 100 ग्राम की सर्विंग है, जिसके अंदर एनर्जी है 345 तक, प्रोटीन है 52 ग्राम तक। तो गाइस अगर आप 50 ग्राम तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25 से 26 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। सो गाइस ये हमारी नेक्स्ट रेसिपी जिसमें हम लोग यूज करने वाले 50 ग्राम तक सोया चंक। पटाटो को ऐसे स्किन के साथ ही यूज़ करें, अगर आप इसका स्किन निकाल देते हो तो गाइस इसके अंदर जो फाइबर है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो फाइबर के लिए आपको स्किन यूज करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अनियन यूज़ करेंगे, टमाटो यूज़ करेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो ये सब चीज़ें चाहिए आपको अगली रेसिपीज बनाने के लिए। पहले अनियन, ग्रीन चिली, टमाटो, सोया चंक, पोटैटोज, थोड़ा सा नमक, चिल्ली। सो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो गाइस बहुत ही इजी है ये। तो गाइस 50 ग्राम तक हम सोया चंक ले लेंगे, और अनियन, ग्रीन चिली, टमाटो और कोरिएंडर हमें इस रेसिपी के लिए भी चाहिए। अब सभी चीज़ों को हम एक बॉल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। थोड़ा सा नमक और ये रेडी हो गई हमारी रेसिपी।